including the World Economic Forum, the United Nations, the International Monetary Fund, and even Prince Charles, boasting, yes, boasting that within a few short years, yes, their words, you will own nothing and you will be happy. Remember, this is not me saying this, this is them. They are even running ads. सीधे चलिए हमारे साथ FDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर और बस घबराना मत। साल 2017 में USA की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया USA की पहली पिल विद अ डिजिटल इंजेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि FDA ने अप्रूवल दिया एक ऐसी टैबलेट को जिसमें डिजिटल सेंसर लगा होता है, यानी कि एक माइक्रोचिप लगी होती है उस गोली के अंदर। तो जैसे ही इंसान उसे स्वॉलो करता है, इस पिल में लगा सेंसर ये ट्रैक करता है कि पेशेंट ने गोली खाई या नहीं। कहीं पेशेंट झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये ट्रैक किया जाता है इस गोली में एम्बेडेड सेंसर के माध्यम से, और ये जानकारी आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर आ जाती है जो आपका डॉक्टर पढ़ सकेगा। और इसी डिजिटल टैबलेट का नाम है एबिलिफाई माई साइट। तो इस गोली का मेन एम ही है जो इन्हीं की वेबसाइट पर लिखा है कि पेशेंट्स में कंप्लायंस बढ़ाई जाए ट्रीटमेंट को लेकर, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा करी जाए कि कुछ भी करके पेशेंट प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट से छुप ना सके। तो अभी कुछ समय पहले मार्केट में एक दवाई आई थी जो ज़बरदस्ती सारे देशवासियों को खिलाई गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दवाई नहीं खाई और किसी तरीके से बच गए, और कुछ कुछ लोगों ने नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो भविष्य में अगर ऐसी कोई पिल मार्केट में कमर्शली लॉन्च हो जाती है और इन लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन में ये दवाई ना खाने की वजह से अपडेट नहीं होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे। संभव है उन्हें ट्रैवल ना करने दिया जाए, उन्हें ग्रॉसरी स्टोर में ना जाने दिया जाए, और उन लोगों की लोकेशन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बहुत ही इजीली लोकेट की जा सकती है अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में कमर्शली लॉन्च हो गई। तो आप सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाएं कि ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ से शुरू होता है वो मुद्दा जो पिछले 2 सालों का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और एलीट सर्विलेंस स्टेट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा की तरह विद रिसर्च एंड एविडेंस टीम लाइफस्टाइल आपके सामने प्रेजेंट करेगा कुछ ऐसी शॉकिंग टेक्नोलॉजीज जिसे देखकर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि क्या सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और एलीट्स ऐसी सर्विलेंस स्टेट बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं जैसी चाइना में ऑलरेडी मौजूद है सोशल क्रेडिट सिस्टम के नाम से, जिसमें आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के बहाने से साल 2018 में चाइना में 20 लाख सर्विलेंस कैमराज इंस्टॉल किए गए, वो भी विद एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, या फिर ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? आप कमेंट करके बताएं। टोटल 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक एक एक पॉइंट को समझिएगा। And this revolution will come at a breathtaking speed. It will be like a tsunami. पहला पॉइंट, साल 2018 में स्वीडन की कंपनी बायोहैक्स इंटरनेशनल ने एक माइक्रोचिप लॉन्च करी, और उस समय पर 4000 से भी ज़्यादा स्वीडन के सिटीजन्स ने ये माइक्रोचिप अपने थंब के जस्ट नीचे अपनी स्किन के अंदर इम्प्लांट कराई, और आज ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। तो ये जो माइक्रोचिप लोग अपनी बॉडी में लगवा रहे हैं उसका पर्पस है कि वो ID कार्ड की तरह काम करती है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है आपके बायोमेट्रिक्स को वेरीफाई करने के लिए, वैसे ही ये चिप का पर्पस है। आपको ट्रेन या एरोप्लेन में ट्रैवल करना है तो बस आपकी स्किन में लगी ये बायोमेट्रिक चिप को स्कैन किया जाता है एंड यू आर डन, क्योंकि ये चिप में आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, आपके बायोमेट्रिक्स, आपका हेल्थ डेटा, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स सब इसमें स्टोर्ड है, आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ई टिकट्स रेल या एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए, सब कुछ इसे एक माइक्रोचिप में जो कि एक राइस ग्रेन के साइज़ की होती है, और बस सिरिंज के थ्रू आपकी स्किन में इम्प्लांट कर दी जाती है। तो आपको कहीं पर पेमेंट करनी है तो बस इस चिप को डिजिटल रीडर के आगे स्कैन करना है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, यानी कि हाइपर कनेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और संभव है ये वाली न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब किसी भी इंसान को कौन सी डिजीज़ है, वो आइसोलेशन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो घर से बाहर निकल कर कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहा है, कौन सी टिकट खरीद रहा है, ये सारा डेटा सिंगल माइक्रोचिप में स्टोर्ड है। दूसरी बेहद ही शॉकिंग टेक्नोलॉजी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा फंडेड ये बर्थ कंट्रोल माइक्रोचिप जो कि रिमोट से कंट्रोल की जाती है। साल 2014 में $20 मिलियन से ज़्यादा की ग्रांट दी थी BMGF ने इस MIT बेस्ड माइक्रोचिप्स नाम के स्टार्टअप को। ये माइक्रोचिप वुमेन की बॉडी में इम्प्लांट की जाती है, और रोज़ ये चिप उस स्त्री के शरीर में 30 mcg पर डे
लेवनोजेस्ट्रोल नाम का कॉन्ट्रोसेप्टिव हार्मोन रिलीज करती रहती है, और जब भी वो वुमेन कंसीव करना चाहती है वो इस माइक्रोचिप को रिमोट कंट्रोल की मदद से ऑफ कर सकती है और फिर दोबारा से ऑन। और ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से कोई और ड्रग भी डिलीवर किया जा सकता है किसी इंसान के शरीर में। तो यहाँ से आप एकदम क्लियर हो जाए कि एक माइक्रोचिप जिसे BMGF ने फंड किया है 16 साल तक इंसान के शरीर में इन इन्वेस्टर्स की पसंद का ड्रग डिलीवर कर सकती है। काफ़ी प्रोग्रेसिव इंसान है ना बिल गेट्स, आपको कैसा लगता है ये इंसान? तीसरी चीज़, अब आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में चलिए और ये देखें पेटेंट नंबर WO2020060606, इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी सिस्टम यूजिंग बॉडी एक्टिविटी डेटा। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस पेटेंट की फुल फॉर्म है WO यानी वर्ल्ड ऑर्डर 2020, और ये जो लास्ट में 060606 है ये सैटर्न का सिंबल है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट करके बताएं हमें। अब इस पेटेंट में, अब आप यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। इस टेक्नोलॉजी में आपके मोबाइल में सर्वर एक टास्क सेंड करेगा और आपको वो टास्क कंप्लीट करना होगा, और एक सेंसर जो कि आपके डिवाइस से कपल्ड होगा वो आपकी बॉडी एक्टिविटी डेटा को सेंस करेगा, जिससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि आपने वो टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया। उदाहरण के लिए आपको बोला जा सकता है कि आप 5 किलोमीटर रनिंग करो, या फिर अमेज़न स्टोर से नमक का पैकेट खरीद लाओ, या फिर एक किसी की पसंद की दवाई लगवाओ, या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर अपना वीकली मैंडेटरी चेकअप करवा कराओ। तो अगर आपने टास्क पूरा करा तो आपको अवार्ड की जाएंगी क्रिप्टो करेंसी। तो पैसा कमाना है तो जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसा करना होगा। जैसे वीडियो गेम्स में टास्क कंप्लीशन के पॉइंट्स मिलते हैं वही बस रियल लाइफ में होगा। तो ये टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट पेटेंट करवा चुका है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो YouTube पर बताना अलाउड नहीं है कि एलन मस्क आखिर न्यूरालिंक और AI के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन एक लास्ट बोनस पॉइंट खास आपके लिए, और यहाँ पर आप समझे कि ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद उन्होंने लिखी हुई है ये जानकारी। और जो इंसान आपको अभी भी बोले कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो आप उस इंसान को दया भाव से देखेगा, हो सकता है उसका इलाज बचपन में अधूरा रह गया। चौथा पॉइंट, आप ये देखिए पेटेंट नंबर US8115618B2, जिसका नाम है RFID एंटेना फॉर इन बॉडी डिवाइस। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है कि जो खाने वाली डिवाइस होती है ना, आप बोलेंगे कि क्या खाने वाली डिवाइसेस मोबाइल खाया जाता है, तो दोस्तों ऐसी पिल्स जो आपने एकदम इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी वो एक प्रकार की पिल होने के साथ साथ मेडिकल डिवाइस भी है। तो इन्हीं डिवाइसेस के एंटेना का पेटेंट है। आप ऐसे समझिए कि एक पिल है जिसमें एंटेना लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है जो एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही वो एक्सपोज होती है बॉडीली फ्लूइड से, जैसे कि स्टमक के एसिड्स। जैसे ही बैटरी एक्टिवेट हुई तो RFID एंटेना एक सिग्नल आपकी बॉडी से एमिट करेगा जो कि बाहर की डिवाइस से डिटेक्ट किया जा सकेगा। आप समझ रहे हैं ना कि आपकी बॉडी सिग्नल्स एमिट करने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई इलाज बोल दिया गया है कि मैंडेटरी आपको लेना है, तो आप फिर नाना के घर जाकर छुपो या ताऊ जी के घर जाकर छुपो, चाहे अपने मोबाइल आप नाले में फेंक दो, फिर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि आपके अंदर से निकल रहे हैं वो सिग्नल, मोबाइल से थोड़ी निकल रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ऑन रिकॉर्ड्स ऑफिशियली। तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजीज ऐसी बना दी उन्होंने गलती से बिना किसी पर्पस या एम के, या फिर हो सकता है कि आपका तन मन धन तीनों वो छीनना चाहते हो। और वैसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। ऑफिशियल डेटा और पास्ट टेक्नोलॉजीज तो इतनी सारी है कि आपकी बॉडी में फियर हार्मोन, अलग अलग हार्मोन्स भी इंड्यूस किए जा सकते हैं। इनफैक्ट पहली चिप जो इंसान के हाथों में लगी थी वो 1997 में ही लग गई थी, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर ज़्यादा खुले में डिस्कस नहीं की जा सकती, ये सब केवल वेबिनार में ही पॉसिबल होता है। Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. अब आप इन सब का सलूशन समझो। इससे ज्यादा चीजें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021, 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। तो इन सब का सलूशन है कि आप ये सबूत लेकर कोर्ट में जाओ,
ये काम बहुत सालों से चल रहा है और जिस वजह से बहुत सारे देशों ने 5G के रोल आउट को स्लो डाउन किया है, लेकिन ये सोल्यूशन है ही नहीं। तो क्या सड़कों पर प्रोटेस्ट करी जाए? बिल्कुल करी जा सकती है, लेकिन टीवी मीडिया आपको दिखाएगा ही नहीं और आपकी प्रोटेस्ट की रीच ही नहीं बढ़ने देगा। लेकिन प्रोटेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सालों से ये किया जा रहा है। आज भी लाइव प्रोटेस्ट बिल गेट्स के ऑफिस के बाहर चल रही है। तो क्या ये जानकारियां लोगों को घर जा जाकर बताएं? ऐसा करा तो आपका 5G का केस कोर्ट में चल रहा होगा और मार्केट में 10G आ चुका होगा। लेकिन ये रास्ता भी बेहद जरूरी है। तो क्या 5G यूज करना बंद कर दें? ऐसा किया तो आप कैपिटलिज्म के सेटअप में पार्ट ले ही नहीं पाओगे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन IMPH है। जो मेथड्स वो लोग यूज करते हैं, सेम वही मेथड्स हम सबको यूज करने हैं। IMPH क्या है, इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके जरिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है। अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें। और आप फैक्ट चेकर्स और मीडिया की एग्जैक्ट फंडिंग और कंट्रोल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, बेहद ही ज़रूरी वीडियो है।